एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ये गरबा नाइट मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि इस मेकअप लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है और इसमें मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज किए हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ वीडियो के इन तक बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को हिट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज आप लोगों का एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्राइमर लिया है और इसे मैं अपने टी जोन एरिया पे सबसे पहले अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज मेरे को जो भी ओपन स्पोर है यहीं पे सबसे ज़्यादा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ अप्लाई करते हुए पूरे फेस पे अच्छी तरह से इसको अप्लाई कर ले रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन आई शेडो लिया है और इससे अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। आईब्रो फिल करने के लिए आपको भी आईब्रो पेंसिल या जेल आईलाइनर कुछ भी यूज कर सकते हो। तो इसी तरह मैंने अपने दोनों आईब्रो को फिल कर लिया है। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है और इसे अपने पूरी आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ, और इसे मैं अपने आईब्रो को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए अप्लाई कर रही हूँ, ताकि मेरी आईब्रो अच्छी से उभर कर दिखे। कंसीलर अप्लाई कर लिया है मैंने, और इसके बाद मैंने यहाँ एक ब्रश लिया है और इस ब्रश से मैं अपने कंसीलर को अच्छी तरह से अप्लाई कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं अपने कंसीलर को सेट कर रही हूँ। सेट करने के लिए आप कोई भी कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर ले सकते हैं। अब हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लाइट ऑरेंज शेड लिया है। इसे मैं अपनी क्रीज पे धीरे धीरे करते हुए ब्लेंड करूँगी, जब तक मुझे मनचाहा कलर ना मिल जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक डार्क मरून शेड लिया और उसे भी अपनी क्रीज पे धीरे धीरे करते ब्लेंड करूँगी, जब तक मुझे अच्छा मनचाहा कलर ना मिल जाए। ब्लेंडिंग पे खास ध्यान रखिए। इसके बाद हम एक ब्लैक जेल आईलाइनर ले रहे हैं और इसे मैं अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई करूंगी। क्रीज पे इसको लेके नहीं जाना है, सिर्फ आपको इसको अपने आईलिड पे ही अप्लाई करना है, क्योंकि इसके बाद हम इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। देन इसके बाद मैंने एक ब्लेंडिंग ब्रश लिया और इसे मैं धीरे धीरे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि दोनों कलर आपस में अच्छे से मर्ज हो सके। और इसके बाद मैं एक डार्क ब्राउन आई शेडो ले रही हूँ और उसे अपनी पूरी आईलिड पे अच्छी तरह से ब्लेंड कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं एक गोल्ड शिमरी शेड ले रही हूँ और इसे अपने आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ, ताकि एक गोल्ड शिमरी लुक मिल सके हमें। और फिर से मैंने वही फ्लॉपी ब्रश लिया है और इसे अपने क्रीज को अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि कोई भी हार्श लाइन हमें ना दिखे। आईलाइनर ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पे NYB का ही आईलाइनर लिया है और इसे एक सिंपल सा आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। कोई भी विंग आईलाइनर ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। अगर आपको चाहिए कि आप भी एक विंग आईलाइनर ड्रॉ करना, तो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपल सा आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे गोल्ड ग्लिटर लिया है और उसे अपनी आई बॉल्स पे अप्लाई कर ले रही हूँ। इसके बाद हम मस्कारा अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिंपली मस्कारा लिया और उसे 2-3 कोट अपने आईलैशेस पे अप्लाई कर ले रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे NYV का ऑरेंज करेक्टर लिया और इसे अपने पिगमेंटेड एरिया पे अप्लाई कर ले रही हूँ। जैसे कि मेरे को थोड़े से पिंपल्स के मार्क्स हो रखे हैं, तो मैं उसे हाइड करने के लिए यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर अप्लाई कर रही हूँ और इसे एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड कर ले रही हूँ। और इसके बाद मैं एक कॉम्पैक्ट से या किसी भी लूज पाउडर से इसे सेट कर ले रही हूँ, ताकि जब मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँ तो दोनों आपस में मिक्स ना हो। देन मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन लिया। बहुत अच्छा ये फाउंडेशन है गाइज, स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो प्लीज़ इसे यूज ना करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिए, बहुत अच्छा है ये। इसके बाद मैं इसे अच्छे से पूरे फेस एंड नेक पे अप्लाई कर रही हूँ और इसके बाद फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर ले रही हूँ। आप चाहे तो वेट ब्यूटी ब्लेंडर से भी इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकते हो। इसके बाद हम कंसीलर अप्लाई करेंगे। तो मैं फिर से वही कंसीलर ले रही हूँ, स्विस ब्यूटी का कंसीलर, और इसे अपनी आंखों के नीचे ब्रिज ऑफ नोज पे, थोड़ा सा फोरहेड पे और अपने माउथ के अराउंड में थोड़ा सा अप्लाई कर ले रही हूँ, ताकि मेरा फेस थोड़ा सा हाईलाइटेड नजर आए। इसके बाद मैंने यहाँ पे फ्लैट ब्रश लिया है और इससे अपने कंसीलर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर ले रही हूँ। ब्लेंडिंग को हमेशा ध्यान से करिए, बिकॉज आपकी ब्लेंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेकअप का। सो अगर आप चाहते हैं आपका मेकअप फ्लॉलेस नज़र आए, तो ब्लेंडिंग अच्छे से कीजिए। इसके बाद हमारा कंसीलर ब्लेंड हो चुका है। अब मैं अपने पूरे फेस को सेट करने के लिए ब्लू हेवन सफायर का ही लूज पाउडर ले रही हूँ और इससे अपने पूरे फेस एंड नेक को अच्छी तरह से सेट कर ले रही हूँ। इस
इसके बाद मैंने यहाँ पे SFR कलर का ब्लशर लिया है और इसे अपने चिक्स पे अच्छी तरह से अप्लाई कर ले रही हूँ। और इसके बाद मैं इसी पैलेट से ही हाइलाइटर शेड ले रही हूँ और इससे अपने फेस को हाइलाइट कर ले रही हूँ। इसे मैं अपने ब्रिज ऑफ नोज पे, थोड़ा सा फोरहेड पे, क्यूपिड बो पे और थोड़ा सा चिन पे भी अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन आई शेडो लिया है और इसे अपने लोअर लैशेज को थोड़ा सा स्मज आउट कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे मार्स का सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ और इससे अपने पूरे फेस को अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन एलिगेंस का लिक्विड लिपस्टिक लिया है और ये एक डार्क मरून शेड है, बहुत प्यारा शेड है गाइज। इसका जो भी शेड है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूंगी। तो मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्केच आईलाइनर लिया है और इससे 3 डॉट्स अपने आँखों के किनारे पे और अपनी चिन पे अप्लाई कर ले रही हूँ। बिकॉज ये लुक अच्छा लगता है इसलिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद हम अपनी ज्वेलरी वेयर कर ले रहे हैं। मैंने यहाँ पे जंग ज्वेलरी वेयर की है। आपके पास जो भी ज्वेलरी अवेलेबल है आप उसको वेयर कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे एक छोटी सी बिंदी भी ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे जाके मेरा मेकअप लुक कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये सिंपल सा मेकअप लुक अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स का शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, आप सभी अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।